हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए व्लॉग में। आज है 2 नवंबर, यानी कि आज है गोवर्धन पूजा। और आज हम आपको दिखाएंगे कि आज गोवर्धन पूजा होगी तो कैसे कैसे होगी। सारे दिन का आज का आपको फिर से सेटअप दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं चाचू जी से। और चाचू जी ये रहे यहाँ पे, चाचू जी लेट के न्यूज़ सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? न्यूज़ सुन रहे हैं। और ये रहा हमारा कंप्यूटर वाला रूम, ये रहा कंप्यूटर पीछे। चलिए तो देखते हैं सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। जी देख रहे हैं ये टीवी, हम आपको दिखा देते हैं। माँ जी देख रही है टीवी। माँ जी का चल रहा है नाटक। तो चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों अभी है हम घर पे, और घर पे हम बना रहे हैं व्लॉग। और ये रही चाची जी लेट के चला रही थी फोन। और ये रखे दो फोन। और ये रही माता श्री मार रही है झाड़ू। ये हाई भी कर रही है। और चलिए देखते हैं अंदर का व्यू क्या है। मुंह अपना ढक रहे हैं, गुरु जी के साथ बात कर रहे हैं। हेलो घर पे समोसे। और ये रहे समोसे, ये रही दही, ये रही चटनी, ये रहे समोसे। एक चटनी अंदर पड़ी है लाल वाली। ये लिया है बहुत सारे। टॉफी दिखाओ भाई, टॉफी कितनी लाए? 500 रुपए। तो दोस्तों अब होगी थोड़ी सी देर में गोवर्धन पूजा, हम वो भी आपको दिखाएंगे। और ये चाचू जी माधव की कर रहे हैं जंपी। ये हो रही है माधव की जंपी। और ये यहाँ पे प्रीसा कर रही है क्या, पेट पूजा कर रही है। ये देखो हेलो, ये प्रीसा ने पहन ली साड़ी। और ये मम्मी खिला रही है प्रीसा को खाना। और ये माधव का कुर्ता पजामा काला नहीं है नीला। चाचू जी अरे हेलो कर दो चाचू जी। माँ जी कुछ बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। अब जा रहे हैं घेर में। हेलो कर दो। तो हम आ चुके हैं दीदी के घर पे। और ये रीताई जी, और ये दीदी। पता चला हमारे छत पे तो ये बंदर ही मर गया। वे वंश की एंट्री। ये ताऊ जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ताऊ जी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी पुस्तक देख रही है। ये दीदी, और दीदी हेलो करते हुए तो क्या खा रही है, पी रही है चाय पी रही है। बंदर यहाँ पे मर चुका है। यहाँ पे गोवर्धन हमने बना दिया है, इस तरह से कुछ सेटअप है। यहाँ पे पूजा होगी। और ये बच्चे अभी से ही पहुँच गए हैं। बंदर का कुछ इस तरह से सेटअप है, यहाँ पे बैठ कर फोन देख रहा है। रोकली ले लिया, अब ये रोकली ले जाते हुए बब्बा जी को देखते हुए। हम जा रहे हैं घेर में, घेर में पूजा होगी। हम आपको पूजा का भी व्यू दिखाएंगे। और यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, धन का भी व्यू दिखाते हैं। वंश पहले ही बैठ चुका है अपना डेरा जमा के, और इसने अपनी सीट फिक्स कर ली है। गोवर्धन का कुछ इस तरह से सेटअप है। और यहाँ पे खाना वाना रखा है। ये बोल रही है मुझे भी दिखा ले, भी दिखा दिया। ये रोकली वोकली, ये गन्ने वन्ने यहाँ पे सब कुछ रख दिया है। ये तो आप दिखाते हैं आपको हमारे घेर का पूरा लुक। यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा होता है इस प्रकार से। यहाँ पे हमारा ये टीलर पिलर खड़ा है, पता नहीं क्या क्या नाम है इस तरह से यहाँ पे। और ये पीछे टिगरी हुई है, और टीलर पिलर है पता नहीं क्या ही है। ये इस तरह से पेड़ होते हैं, फूलों का भी और अनार का भी। ये कुछ इस तरह से पेड़ का सेटअप है। और यहाँ पे घास वास है भी। आ चुके हैं, पेड़ को काट रहे थे, पर इसको पेड़ को पूरा नहीं काटा क्योंकि इस पे यहाँ पे ततैये हैं, दिख रहा हो तो यहाँ पे ततैये हैं। तो इन ततैयों का घर भी बचाना था, इस वजह से हमने इसको पूरा नहीं काटा, वरना ततैये मर जाते। इस प्रकार से हमारा एक जामुन का पेड़ है जो बहुत बड़ा हरा भरा हो चुका है अब तक। और पीछे इसके नींबू का पेड़ है, उस पे भी नींबू आते हैं पर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। ये आगे सारे यहाँ पे अमरूद वमरूद के पेड़ है। अभी अमरूद कच्चे हैं इसलिए खाने योग्य नहीं है। भैंस है, इस भैंस का बाड़ा पीछे वहाँ पे लगा हुआ है गैराज में। हम दिखाते हैं आगे का व्यू किस तरह से है घेर में। तो यहाँ पे इस तरह से बाल्टी बाल्टी रखी रहती है, तसला वसला, इससे पावड़ी से हटाते हैं गोबर। और यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी का टिल्ला है। और जो है ये बारिश हो के यहाँ पे बिल्कुल पक्का हो गया है, यहाँ पे मिट्टी डाली हुई थी। और ये यहाँ से ऐसे झूला है, इस पर बच्चे झूल भी सकते हैं। यहाँ पे हमने केले वेले का पेड़ लगाया हुआ है, इधर भी अमरूद का है, और ये भी अमरूद का ही है। ज़्यादातर हमारे घेर में अमरूद के पेड़ मिल गए। और ये यहाँ पे हमने अपना कूड़ा वूडा कूड़ी वूड़ी बना रखी है, गोबर की कूड़ी है यहाँ पे। ये यहाँ पे ताई जी ने इस तरह से गोश्त से यहाँ पे लगा रखे हैं। ताई जी हंस रही है पीछे से, ये ताई जी झाँक के देख रही है बिल्कुल फ्लो में। चलिए तो ताई जी को भी दिखा देते हैं एक बार। ये ताई जी हेलो कर दो। हेलो, ताई जी ने हेलो कर दिया है। और अब हम दिखाते हैं छोटे मुन्ने को, तेरा छोटा मुन्ना। ये कुछ इस प्रकार है, ये बोला है। और अभी दिखाते हैं यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी गोबरी फिर रही है इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे पेड़ है,
यहाँ पे हमारा निहार व्यार कटता है, मतलब यहाँ पे निहार काटते हैं और फिर गाय वाय को चारा वारा दिया जाता है। यहाँ पे जो खराब निहार होता है वो होता है, इसको फिर ठंड में मतलब नीचे बिछाने के काम आता है ये, ताकि जानवरों को ठंड ना लगे। ये मेरे साथ आ रखा है। अंदर है भूस का कमरा, जो अंदर से बहुत ज़्यादा डरावना है, भूतिया कमरा है एक तरह से वो। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ पेड़ और जो हमारे घर में विजिबल है। ये यहाँ पे इस तरह से कुछ पेड़ है, ये डंडी से मतलब पेड़ सीधा कर रखा है, ये इतनी सारी डंडी लगा करके हमने एक पेड़ को सीधा कर रखा है। ये है इमली का पेड़ और ये यहाँ पे है, ये है हमारा अनार का पेड़ और यहाँ पे है सतूत का पेड़। ये यहाँ पे सतूत का पेड़ है, ये यहाँ पे नीम का पेड़ है। आपको दिख रहा होगा हमारे घर में नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा है। ये भी, ये जो है ये भी नीम के पेड़ से बंधा हुआ है, दो नीम के पेड़ है यहाँ पे। ये मुझे टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये एक और इतना बड़ा नीम का पेड़ है। हमारे घर में नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये फूल का पेड़ मैंने लगाया था, जिसपे हल्का सा येल्लो सा छोटा सा फूल आ रहा है, और ये वाला फूल का पेड़ मैंने लगाया था। और इसको भी सपोर्ट करने के लिए दो दो डंडी लगाई हुई है। ये पता नहीं पापा ने किस चीज़ का ही पेड़ लगा दिया। और हम दिखा देते हैं, हम पहले पानी किस में रखते थे, इसमें रखते थे, और अब हमने इसमें रखना छोड़ दिया है। पहले इसमें रखते थे पानी, इसमें से डंगर पानी पीते थे। और इसमें है ये एलोवेरा, यहाँ से एलोवेरा तोड़ के लगाते हैं चेहरे पे, जो लगाना चाहता है वो लगा सकता है। उनके ताई जी के घर, पहले उनके घर पूजा है, उनके घर का पहले हम पूजवाएंगे, उसके बाद घर में पूजवाएंगे। ताई जी का घर, अब हम ताई जी के घर के अंदर जा रहे हैं। बहन वहाँ पे खड़ी है और भाई भी वहाँ पे खड़ा है। इनकी गाय वाय बंधी हुई है इस तरह से, ताऊ जी ताई जी बच्चे, और ये इस तरह से इन्होंने भी गोवर्धन को बनाया हुआ है। यहाँ पे गन्ना है, पंडित जी आ चुके हैं, अरे पंडित जी, और वंश यहाँ पे बैठ चुका है। ताई जी ने इतने सारे छोटे छोटे गमले टाइप लगा रखे हैं ये, और यहाँ पे ताई जी का अमरूद का पेड़ है, एक और अमरूद का पेड़ है, चलाने के लिए बोल रहे हैं जी। एक बैग उठा के लाई, अब ये भी पूजेगा। और इसको टिक्का लग चुका है, क्या रखा है ये बैग को भी टिक्का लग चुका है। यहाँ पे ऐसे सबको खील सर्व की जा रही है। हमको भी खील मिल चुकी है। गोवर्धन का ध्यान रखें, पंडित जी का मंत्र चालू। गोवर्धन गंभीर गोकुले नंदकाय तं देहि मैं तुलसीरम गोवर्धन नमस्ते नमो वंदनाय तं भगवो लोके मुनि ने पूर्ण ब्रह्मपुत्राय नमो गोवर्धनाय च गोवर्धन राधा गोकुले रणकाय नमो भाव प्रदेश गोपी पद्य करो गो माता गंधे लक्ष्मी आलोक पानंदन पनंतितम देहिम विनते व्याते मम पापहि। हम सब खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, तुझे भी खड़ा होना है, चलना है। मैं खड़ा ही हूं, चलो। ओम जानकानी चपे पानी जम करतानी तानी सरवण नशन दुख दक्षिणा पदे गुप पदे गोवर्धन धन श्री गोकुले नंद कायतम देहि मैं चल श्रीरम गोवर्धन नमस्ते नमो वंदना वंदना कायतम दे गोलो जी मुनि ने पूर्ण ब्रह्म पुत्र नमो गोवर्धन चय गोवर्धन गोकुले धन कारकम बहु बहु ग्राम सत्य चीज है जा मेरे मैं अभी काम में बंद हूं। अब चक्कर पूरे हो चुके हैं, अब इस तरह से करते हैं। अब फिर सब बैठ गए। अब पूजा खत्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं घेर में, घेर में भी पूजा होगी। पंडित जी की एंट्री होते हुए और सब इस तरह से कुछ बैठते हुए, इस तरह से होती है पूजा। ओम मनसी विभूषित कराने नीर दावात पीताम्बरात अरविंद बिन फलाम धनुषात पूर्ण हिंदु सुंदर मुखात किमपि तत्व महम न जाने अच्युतम केशवम रामो नारायणम जदवम कृष्णो वासुदेवम हरिम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्णाय नमः गोविंदाय नमो नमो परमात्मने नमो नमः पूज्य विस्थापयामि नमस्कारोमि ओम तिलकंते तिलकुमार आदि वैष्णव स्थापितम प्रतिष्ठायते नमः सकलाप्य जन्मनि जन्मनि अच्युतम सर्वश्रेष्ठ
कुंकुमाता सुशोभिता माता गणार का प्रसिद्ध परमेश्वराय नमः कांडात कांडात पति गणार का प्रसिद्ध परमेश्वराय नमः ओम देवदति धरती जावा मधु सक्कर समान वेतम पंचामृत महानी तो विश्वनाथ नाटम प्रति गई है तो कोई भी गिटार छूट नहीं रहा है खाना नहीं ये सिक्सर मारा आपकी हां पैंड अप पैंड अप करते जाना फिर लग लग वो तो कोई बात नहीं अरे जी आप के चल फिर लग लग और फिर लग लग और फिर लग लग जाओ माथे पे लग लग फिर लग लग और फिर लग लग फिर लग लग और रक्षा नमा चल मना चल ओम गुरु गुरु के नाम से जय हो आ बच्चा लगा दो याद है याद है समझ लो जी बहुत लगाओ मास्टर जी मुझे भी करना मुझे कुछ ही थोड़ा सा हाँ इच्छा तभी नहीं आ रही सभी लो 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 ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे प्राण शंकर हरिप्रिया जानवीर अज्ञ सिद्धार्थम भिक्षाम देव च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर भंड सुरक्षा च गणेश सत्तम गिराज महाराज की जय जय गोड़ महाराज जय गोड़ महाराज आ जलम लो खड़े हो जाओ भाई पूजा शांति पूर्वक होनी चाहिए भगदड़ नहीं बचेगी भगदड़ नहीं करी मन ने तेरे महाराज का तो टाइम भी लगा दिया और डॉक्टर ने चक्कर से पांच लगा इसमें न्यूज बीच में पानी चा पानी जन्म जन्म अंदर के दाने चा दाने दाने विश्वास को देव दे बोलो कि राज महाराज की चक्कर कम लगे नहीं एक एक परिक्रमा अच्छा बहुत बड़ा गोवर्धन है चार पांच मार दोगे जब परिक्रमा करने जाते हो गोवर्धन उसका लावा लगे मगर पांच सात ठीक है पूजा हो चुकी है समाप्त दिया है और बाकी के पटाखे फोड़ेंगे हम बाहर तो आपको दिखा देते हैं बाहर का व्यू दो थैली लिया कम कम दस वाली लिया दो थैली आ चुकी है ताई जी और ये माहौल को देखते हुए यहाँ पे और ये है ये अपना मुंह छुपा रही है और यहाँ पे ऐसे सब खड़े हैं ये रोने लगी दूसरी ताई जी आते हुए और यहाँ पे हम मौजूद हैं इस तरह से तो अब जा रहे हैं खेत में और चाची जी ये रही अब हम जा रहे हैं बुलेट पे बैठ के खेत में तो चलिए आपको खेत का व्यू दिखाते हैं कि हमारी बुलेट तैयार है बुलेट पे जा रहे हैं खेत में तो अब पूजा हो चुकी है पूरी तरह से यहाँ पे गड्ढा किया जा रहा है और सब लोग यहाँ पे मौजूद है बच्चा थक चुका है और ये छोटे छोटे दो बच्चे यहाँ पे हैं पास पास कुछ इस तरह से है ये वरोटी लेके जा रहे हैं सब कुछ लोग और यहाँ पे गड्ढा हो रहा है ऐसे कुत्ता भी दिखाई दे रहा दिखेगा तो कहीं इस तरह से कुत्ता देखो बढ़िया खड़ा गड्ढा हो रहा है कहला कुत्ता है तू बढ़िया देख तू ये कुत्ता उधर को भाग गया सब लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं ऐसे राम राम कर रहे हैं और इस तरह से वहां से कोई ट्रैक्टर से आ रहा है वो भी दिखाएंगे ये कूदती जा रही है पूरा गिरे माटी भीतर जाना अंदर वाला पेट में अब यहाँ से इस तरह से एक ट्रैक्टर आ रहा है तो यहाँ पे खेतों में ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं वो तो कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह से ट्रैक्टर आ चुका है ये पूछ रहे क्या हो गया बता रहे कि बंदर गुजर गया एक वो बंदर कई दिन का बता रहे फिर वो और था तो उन्होंने बताया कि बंदर गुजर चुका है
बंदर टेढ़ा हो गया था तो इसकी पूंछ पकड़ के ऐसे सीधा कर रहे हैं। और इस बंदर को सुबह सुबह पैरासिटामोल भी दी थी क्योंकि इसको बुखार हो रखा था। और ये इस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर नमक आएगा बहुत सारा। एक दो थैली ऊपर गया नमक। एक पैकेट नीचे नमक जा चुका है। इसमें बदबू बहुत ज्यादा आ रही है और इस तरह से इसमें नमक डाला जा रहा है। तीन तीन पैकेट एक साथ डाले जा रहे हैं। चले ऊपर घेर चले। सबने नमक डाल दिया है। अभी कपड़ा धोना तैयार करके घेर देते हैं। और ये कपड़ा भी आ चुका है चाचू जी के हाथों से। इस तरह से बच्चों के हाथों ये कपड़ा इसको पहनाया जाएगा। एक और मोड़ ले घेर दे इसको ऊपर निकाल ले। कौन सी पकड़ा देंगे मट्टी भी नहीं जाने। ये इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा भी डाल दिया। ये पन्ने अभी यहाँ से पन्नी हटा दी गई है और इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है कुछ इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से डाली जा रही है मिट्टी। अब तो बढ़ जाता है इसमें ऊपर ही तो खड़ा हो जाता सीधा आगे। और मिट्टी अब तो मिट्टी में मिल गया बेचारा होती है। अब तो गड्ढे में भी डाल ले। पकौड़ी बना रही थी मम्मी। पकौड़ी खा ली है। इस तरह से कुछ पकौड़ी बनी हुई थी और ये हरी चटनी ये पता नहीं क्या ही है चाय है। और ये लाल चटनी इस तरह से है और ये घर की पुदीने की चटनी। और यहाँ पे मम्मी ने इस तरह से कुछ सेटअप करा हुआ है। यहाँ से ऐसे तली जा रही है पकौड़ियाँ और यहाँ पे ये पकौड़ियाँ इसमें उतरेंगी यहाँ से जाएंगी। और ये चटनी वगैरह अगर किसी को चाहिए और ये आलू यहाँ से डायरेक्ट छील के यहाँ पे आ रही है। और पहले पूरी तली गई उसके बाद यहाँ पे अगर किसी को घी की भी पकौड़ी खानी है तो वह घी की भी पकौड़ी मौजूद है। बैंगन की पकौड़ी खत्म हो चुकी है। और यही माताश्री दिखाओ इधर को भाई इसके अंदर बैंगन की पकौड़ियाँ हैं। और एक चाची जी फोन चला रही है। दोस्तों हमारे घर पे आज चार तरह की पकौड़ी बनी हुई है। आलू की सिंपल, प्याज की पकौड़ी, घी की पकौड़ी और बैंगन की पकौड़ी। तो ये चारों पकौड़ी आज बनी हुई है। मैं सिर्फ सिंपल आलू की पकौड़ी खाता हूँ तो मैंने वही खाई है। अगर आपको भी खानी है तो घर आ जाना खा लेना हम खिला देंगे। चुप।
दोस्तों हमारा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। और आपको मेरी बुलेट चलानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बनाना। तो दोस्तों तब तक हमारा नया व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए बाय बाय।